हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में NX Audio की तरफ से XT 7000 एम्पलीफायर का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या आउटपुट देता है, क्या फीचर्स के साथ आता है, कितना तक का लोड चला सकते हैं, इसका डंपिंग फैक्टर क्या है, क्या सच में 2 ओम स्टेबल है ये एम्पलीफायर। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। तो अब बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि NX Audio XT 7000 एम्पलीफायर दिखता कैसा है, क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है, कितना तक का लोड चला सकते हैं, फिर प्राइस क्या होगा वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लुक देख सकते हैं एम्पलीफायर का, काफ़ी सिंपल लुकिंग के साथ आता है और काफ़ी शानदार लुकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडिंग वगैरह प्रोटोन और NX Audio का यहाँ पे किया हुआ है और इसका मॉडल नंबर XT 7000, ठीक है। और आप देख सकते हैं ओरिजिनल पहचानने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे दे रखा है, 3D स्टिकर सटा हुआ है जो कि एम्पलीफायर को थोड़ा सा इधर उधर करने पर ये चमकना स्टार्ट कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एम्पलीफायर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, और भी एक तरह से आप पहचान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गेन नॉब दिया गया जो कि आपको पता ये चैनल 1 चैनल 2 को कंट्रोल करने के लिए कि इतना साउंड में आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। और यहां पे 4 इंडिकेटर्स दिया गया है, ऑन का, प्रोटेक्शन का, सिग्नल का और क्लिप का, तो आपको तो ये सब चीज़ के बारे में पता ही। वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे अच्छा ग्रिल दिया गया, और हमको एक चीज़ इसका ये अच्छा लगा कि यहाँ पे डस्ट फिल्टर लगाया गया ताकि धूल कण कम से कम प्रवेश करे, ठीक है, तो एम्पलीफायर गंदा नहीं होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है साइड में, काफ़ी अच्छा लुकिंग यहाँ पे एम्पलीफायर को प्रोवाइड कर रहा है। और हैंडल वगैरह का भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी में रखा हुआ है हैंडल को, और 4 होल्स दिए गए जिसको यूज़ करके आपको पता ही है कि क्या करना है, फ्लैट केस में इसको फिट करना है, तो ठीक है। तो ये हो गया एम्पलीफायर, प्रोफेशनल एच क्लास पावर एम्पलीफायर ये होने वाला है। आइए इसका बैक पैनल का भी हम आपको लुक दिखा ही देते हैं। तो दोस्तों ये है XT 5000 का बैक पैनल, तो सॉरी ये 6000 का बैक पैनल है। तो हर एम्पलीफायर मतलब कि XT3 जो भी होगा तो सबका सेम ही बैक पैनल आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल हम आपको समझा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 आपको बैक पैनल में हीट मतलब कि गर्म हवा निकलने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को ठंडा करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चैनल को लिंक करने के लिए यहाँ पे XLR का यूज़ किया गया, TRS पिन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो इनपुट कर सकते हैं या फिर आउटपुट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा कि +1 -1 किस तरह से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है, मतलब किस पिन में आपको कैसे लगाना है, तो एक बार यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और स्पीकॉन का, ठीक है। आप अगर ब्रिज मोड में चलाना चाहते वो भी संभव है, लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो इसका प्लस और इसका माइनस आप बना सकते हैं, ठीक है। चैनल 1 का प्लस बन जाएगा और चैनल 2 का माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे जो है कुछ स्विचेस दिए हुए हैं, सेंसिटिविटी का होता है और आप किस मोड में चलाना चाहते हैं, स्टीरियो मोड में, पैरेलल मोड में या फिर ब्रिज मोड में, एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि स्टीरियो मोड का मतलब हो जाएगा 2 इनपुट और 2 आउटपुट आपको मिलने वाला है, और पैरेलल मोड का मतलब हो जाएगा 1 इनपुट आप करोगे तो आपका दोनों चैनल में आउटपुट आपको मिल जाएगा। ब्रिज मोड का मतलब होता है कि 1 चैनल में आप इनपुट करोगे और चैनल 1 का जो प्लस दिख रहा है ये प्लस हो जाएगा, और चैनल 2 का जो ये प्लस दिख रहा है आपका ये माइनस हो जाएगा। और चैनल का ए मतलब कि चैनल 1 का आपको गेन नॉब से काम करना है, चैनल 2 का गेन नॉब ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और वही यहाँ पे एक 3D स्टिकर सटा हुआ है जो कि आपको बता रहा है एम्पलीफायर चीख चीख के कि हम ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन को भी मेंशन कर दिया गया है बाय लोगो और बाय NX Audio, आप देख सकते हैं। और एम्पलीफायर का मॉडल नंबर आपका रहेगा जो भी आपका मॉडल है, 7000 रहे, 6000 रहे, 3000 रहे, जो भी आपका मॉडल होगा, ठीक है। हमको इसका बैक पैनल देख के थोड़ा सा CA सीरीज का याद आ रहा है, मतलब कि साउंड स्टैंडर्ड का जो एम्पलीफायर आता है उसका थोड़ा सा याद आ रहा है, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। और देख सकते हैं कई तरह के और भी स्विचेस आपको मिल जाता है, लो पास करने के लिए, हाई पास करने के लिए, लिमिटर वगैरह को देखने के लिए, ठीक है। ग्राउंड का भी स्विच आपको देखने को मिल जाता है। लिमिटर को हम बोलेंगे कि आपको ऑन करके ही चलाना चाहिए ताकि आपका स्पीकर फूकने से बच जाएगा। एक तरह से और आप पहचान सकते हैं कि एम्पलीफायर आपका ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि एक स्टिकर सटा हुआ है, ये मामूली स्टिकर नहीं है, यहाँ पे सीरियल नंबर का होने वाला है, ठीक है, और मॉडल नंबर के साथ यहाँ पे रहेगा। और NX Audio के वेबसाइट पर जब आप सीरियल नंबर को डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एम्पलीफायर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। ये सीरियल नंबर आपके बॉक्स पर भी हो सकता है, एम्पलीफायर में तो
होता ही है, ठीक है। तो ये था एम्पलीफायर का बैक पैनल, हम आपको सिंपल वे में बता दिए। आइए इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि आपको क्या क्या और फीचर्स यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके लिए लेके चलेंगे हम आपको वेबसाइट पे और देख सकते हैं ये है NX Audio की तरफ से XT7000 एम्पलीफायर, यही है इमेज हम अभी आपको दिखा रहे थे, देख सकते हैं इसका बैक पैनल, ठीक है। तो ये था एम्पलीफायर, ये 2 ओम स्टेबल एम्पलीफायर होने वाला है। आइए हम इसको आपको और भी डिटेलिंग से बताते हैं। तो बात करते हैं इसका आउटपुट, तो 8 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 1350 वाट का आउटपुट, 4 ओम के लोड पे 2100 वाट का आउटपुट, 2 ओम के लोड पे 3000 वाट का आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है। ब्रिज मोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 ओम का ही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। 8 ओम आप ब्रिज मोड में यूज नहीं कर सकते और 2 ओम का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 5600 वाट आउटपुट देखने को, ठीक है। और इसका रैक साइज देख सकते हैं 3U होने वाला है। डिस्टॉर्शन वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और बात करें इसका डंपिंग फैक्टर, तो डंपिंग फैक्टर आपको 500 का देखने को मिलने वाला है। इसका जो सर्किट है ये क्लास H एम्पलीफायर होने वाला है। और दोस्तों इसका वेट जो होने वाला है 43 kg अप्रोक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया इसका डिटेलिंग, आइए बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर में कितना लोड चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, टॉप कैसे चला सकते हैं, फिर प्राइस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर जो है आपको 8 ओम के लोड पे दे रहा है 1300 वाट का आउटपुट, मतलब कि 1350 वाट का आउटपुट आपको दे रहा है। तो आप इस पे 1200 वाट RMS पावर का स्पीकर चला सकते हैं, 1000 वाट का भी है तो भी चला देगा। AES पावर का स्पीकर है आपके पास तो 1500 वाट तक आप लोड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो डंपिंग फैक्टर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अगर ज़्यादा होता 800-1000 के आसपास तो एकदम छाती फाड़ने वाला डंपिंग फैक्टर, मतलब कि आउटपुट आपको मिलने वाला था। फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ आपको मिल रहा है। 4 ओम के लोड पे अगर आप मतलब कि डुअल बेस चलाना चाहते हैं तो आपको 2100 वाट का आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो आप 1000-1000 वाट RMS पावर का स्पीकर आराम से देके चला सकते हैं, काफ़ी ठोक के ये चलाने वाला है। और अगर आपके पास 1200 या फिर 1500 वाट AES पावर में स्पीकर है, जैसे कि पी ऑडियो में आता है और भी कई तरह के ब्रांड में AES पावर का स्पीकर बनाते हैं, तो आप उन स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। 2 ओम के लोड पे तो बेस चलाने के लिए हम आपको नहीं बोलेंगे और कोई चलाता भी नहीं है, ठीक है। तो ब्रिज मोड का भी आउटपुट आप यूज़ कर सकते हैं, 5600 वाट आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बात करते हैं टॉप कितने वाट का चलाना सही रहेगा, सिंगल टॉप डुअल टॉप दोनों बताएंगे। दोस्तों अगर आपके पास 800-1000 वाट सिंगल स्पीकर है आपके टॉप में, ठीक है, सिंगल स्पीकर लगा हुआ है 1000 या 800 वाट का, तो काफ़ी अच्छा से चलाने वाला है। 100 वाट का HF हम काउंटिंग नहीं किए, फिर भी यहाँ पे कितना हो जाता है 1000 और 100 वाट का HF, मतलब 2100, तो लोड टू लोड ये होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी आराम से आपका चलाने वाला है, शायद ही आपके पास वो स्पीकर हो, लेकिन हो भी सकता है, बहुत केस में होता भी है, ठीक है। अगर कम पावर का स्पीकर है तो भी चला देगा, बट आपको गेन को कंट्रोल में रखना है, चांस कम रहता है स्पीकर फूकने का, अगर मतलब हो ही जाता है कभी कभी, ठीक है। तो हम आपको दोनों बात बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस पे 2 ओम के लोड पे कितने वाट का स्पीकर डाल के चलाना सही रहेगा। और ये 2 ओम के लोड पे स्टेबल एम्पलीफायर है, जैसा कि यहाँ पे कंपनी खुद यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं स्टेबल @2 ओम लोड। तो इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे, तो अगर आपके पास 600-700 वाट RMS पावर का स्पीकर लगा हुआ है आपके टॉप में, सिंगल स्पीकर का बात कर रहे हैं, तो काफ़ी आराम से चला देगा। जैसे कि 1400 वाट, 1500 वाट, 1500 3000 वाट का ये लोड हो गया, मतलब एक चैनल पे 3000, दूसरे चैनल पे भी 3000 का लोड आप दे के चला सकते हैं, ठीक है। या फिर 600 वाट का स्पीकर है तो भी वो चला देगा, बट हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा लिमिटर को ऑन रखिए, ज़्यादा का लालच मत कीजिए और गेन को कंट्रोल में चलाइए, काफ़ी बेहतरीन चला सकते हैं। ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो आप क्रॉसओवर का भी यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट क्रॉसओवर कई तरह के आपको कई ब्रांड में मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे ब्रांड में मिल जाएंगे, तो आप उसको फ्रिक्वेंसी को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें भी जा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इस एम्पलीफायर में भी क्रॉसओवर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हम आपको जो सेटिंग बताएं आपको क्या करना है, गेन को कंट्रोल में रखना है, लिमिटर को ऑन रखना है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, हम भी आराम से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से लोड इस पे डाल के चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, चाहे आप एक टाइम पे टॉप चलाओ या फिर बेस चलाओ, तो दोनों ही केस में आप इस एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका अभी का करंट प्राइस क्या होने वाला है। तो अप्रॉक्स मार्केट प्राइस हम आपको बता रहे हैं 45,000 से 50,000 या 52,000 के बीच में आपको ये एम्पलीफायर मिल जाएगा, और काफ़ी बेहतरीन एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर 1000-2000 का ऊपर नीचे होता है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा और काफ़ी
जाने माने ब्रांड की तरफ से आता है NX Audio, नाम ही काफी है, ठीक है। हम इस एम्पलीफायर का मतलब हम इस कंपनी का कई सारे एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं, चाहे RX सीरीज का एम्पलीफायर हो या फिर आप MT सीरीज का ले लीजिए, तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपको ये एम्पलीफायर के बारे में भी बताएं। काफ़ी अच्छा है एम्पलीफायर है, बजट सेगमेंट में ये एम्पलीफायर होने वाला है। कोशिश करेंगे कि इसे लोएस्ट बजट में और अच्छा एम्पलीफायर को लाया जाए, तो देखेंगे, ट्राई करेंगे फिलहाल। लेकिन महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका प्राइस इंक्रीज होते जाएगा। जो भी आपके स्टेट में टैक्स लगेगा तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे स्टेट में कुछ और प्राइस है, आपके स्टेट में कुछ और प्राइस होगा, बिहार का कुछ और प्राइस है, झारखंड का कुछ और, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इस एम्पलीफायर का यूज़ करके आप बेस भी चला सकते हैं, टॉप भी चला सकते हैं, काफी धुआंधार आपको आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो NX Audio XT 7000 के बारे में। तो सारा पॉइंट्स को हम कवर किए इस वीडियो में, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका कोई सवाल है इस एम्पलीफायर को लेके तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। बेस चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज कर रहे हैं और कब आपने एम्पलीफायर को लिया था, नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों P Audio का न्यू स्पीकर लॉन्च हुआ है, तो ऐसा है कि इस ब्रांड को लेके काफी डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है और काफी धड़ल्ले से ये सब चीज हो रहा है। तो इस चीज को लेके कंपनी ने नया अवतार को मार्केट में लॉन्च कर दिया है, चाहे सब बूफर हो, मिड बेस हो और भी कई तरह के सामान में अपग्रेड हुआ है। तो हम रिसेंटली एक वीडियो बनाए, P Audio 15FT 88 MB स्पीकर, मिड बेस के लिए काफी अच्छा स्पीकर है और डुप्लीकेट को कैसे पहचाना जाता है हम आपको बताए। इस वीडियो को देखने के लिए एंड स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।